आर न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए रेवाड़ी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। रेवाड़ी जिला उपायुक्त हमारे साथ है, प्रेस वार्ता भी की है, एक थैला भी इन्होंने कहीं ना कहीं लॉन्च किया है। क्या पूरा है थोड़ा सा एक बार जानेंगे। उपायुक्त साहब, आपने आज थैला भी किया है, बैन करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्या रणनीति पे काम करेगा पूरा प्रशासन? जो सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एकल उपयोग प्लास्टिक है उसको जो बंद करने की मुहिम है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईओ हरियाणा और जिला निर्वाचन कार्यालय रेवाड़ी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और उसी एक्टिविटी के तहत स्वीप के अंडर हमने आज कपड़े के थैले लॉन्च किए हैं जो हम अपने बीएलओज को देंगे, बीएलओज को दिए जा रहे हैं। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, अगर वो वोट डालने आते हैं तो वो उनको थैला गिफ्ट किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं भी, आपने जैसे थैला कह दिया कि आप थैला देंगे, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो आपको पैकिंग का जो सामान है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक वाला, उसको बैन करने के लिए जो लिक्विड जो दाल वाल जो है उसको लेकर क्या प्लानिंग आपको बनाएंगे? उसके लिए हमने जो हमारे लोकल हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं उनसे कल बैठक की है और उनसे अनुरोध किया है कि उसकी पिक्चर्स भेजें ताकि हम जनता को उस बारे में जागरूक कर सकें। सिर्फ एक टेक्स्ट पढ़ के कई बार कोई बात समझने में दिक्कत हो जाती है या कोई कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, तो इसी प्रकार से उसकी पिक्चर भेजेंगे, उसकी फ़ोटो पब्लिक में दी जाएंगी, हम भी उसको पब्लिसाइज करेंगे कि ये नॉन परमिसिबल या बैंड है अंडर दिस स्कीम, और उसके बाद उसका प्रयोग बिल्कुल बंद करें। दूसरा जना, बहुत सारे उम्मीदवार लड़ेंगे, पांच पांच छह पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, क्या चुनाव आयोग ने ऐसा कोई नियम भी बनाया है कि प्रचार के दौरान तमाम जो उम्मीदवार हैं प्रत्याशी है वो एक मैसेज दे कि प्लास्टिक बैन हो, थैलों का यूज करें, कपड़े या जूट के थैले का यूज करें, क्या ऐसे कोई प्लानिंग की जा रही है? चुनाव आयोग ने और हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा और हमारे इलेक्शन ऑफिस से भी हम सब ने अपील की, हम सबका अनुरोध है कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल बंद करें। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी कैंडिडेट सिंगल यूज प्लास्टिक का अपने झंडे, बैनर या किसी और तरह से प्रयोग ना करे और इसकी जगह जो इको फ्रेंडली माध्यम है उन विकल्पों की तरफ बढ़े। नहीं, उसमें भी प्रचार के दौरान एक मैसेज उनको भी करने कहना, जनता को करना चाहिए, जिस तरीके से वोट की अपील वो लोग करते हैं उनको ये भी अपील करनी चाहिए कि तमाम जो मतदाता हैं वोटर हैं वो प्लास्टिक का यूज ना करें, बचाए कि ऐसी कोई मुहिम इस पर निगरानी रखी जाए। नहीं, हमने सभी राजनीतिक दलों से बार बार बैठकर में अनुरोध किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का वो उपयोग ना करें। तो देखिए, ये तो हमारे साथ जिला उपायुक्त, सीधा सीधा बैन प्लास्टिक को कर दिया गया है, कहीं ना कहीं ये हित में भी है और तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं ध्यान रखे, अपने प्रचार के दौरान इस चीज़ का कहीं ना कहीं ज़्यादा जोर दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी। मैं राव विजेंद्र सिंह, रानी की ड्योटी से, हम सबकी बहन महिंद्रा आगामी नगर परिषद के होने वाले चुनाव वार्ड नंबर 14 से लड़ेंगी। वार्ड के विकास एवं तरक्की के लिए आप सभी से आग्रह है कि उन्हें अधिक से अधिक मत देकर विजय